जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं महीर मोगरे। इंडिया एक यूथफुल कंट्री है जहां पर हमें बहुत ज्यादा यूथ देखने को मिलते हैं। ये यूथ देश का भविष्य है, यही यूथ भारत की इकोनॉमी को आगे लेकर जाएंगे, यही यूथ देश को किसी भी समस्या से बाहर निकालेंगे और यही यूथ आपको वोट भी देंगे। मगर जब इन यूथ के फ्यूचर की बात आती है तो फिर कोई ध्यान नहीं देता है। एक एस्पिरेंट जो किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है और खैरात में नहीं, खुद के पैसों से किताबें खरीद कर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, अपनी एनर्जी, अपना टाइम सब कुछ लगा रहा है और फिर गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी वैकेंसीज निकालती है, लाखों में वैकेंसीज निकलती है और यूथ काफी खुश हो जाता है कि चलो हमारे हित की बात हो रही है और जिस मकसद से हमने सरकार को वोट किया था अब वो पूरा होने जा रहा है। इतनी ज्यादा वैकेंसीज निकली है तो हम यहाँ पर जो फॉर्म है वो फिलअप कर देते हैं। फॉर्म के बदले में 500-500 रुपए मांगे जाते हैं। यूथ सोचता है चलो भर देते हैं। करोड़ों लोग यहाँ पर फॉर्म भरते हैं और 500 रुपए भी भर देते हैं, लेकिन वो एग्जाम होती ही नहीं है, या फिर अगर एग्जाम होती है तो उसके रिजल्ट नहीं आते हैं। इस तरीके का हाल हमें आज के टाइम पर देखने को मिल रहा है। एसएससी का कांड आप सभी ने सुना ही होगा। यही सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिल रही है कि एग्जाम फॉर्म के नाम पर 500 रुपए लिए जा रहे हैं। बाद में बोला जा रहा है कि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है। और वही एग्जाम जो है अगर वो ली जा रही है कई साल पहले तो एक एक साल के बाद उसके रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं और वो भी पूरी तरीके से रिजल्ट आए नहीं है। और ये सिर्फ एसएससी की बात नहीं है, ये हर तरह हो रहा है, हर तरफ हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं तो यूपीएससी में लगातार वैकेंसीज जो है वो कम होती जा रही है, मतलब 1000, फिर उसके बाद 800, अब 700 वैकेंसीज कंटिन्यूअसली कम हो रही है। अगर आप पूरे देश में देखो तो सिर्फ आईएएस की वैकेंसीज जो है वो भी 1000 के ऊपर है, 1500 के आसपास आईएएस की सिर्फ वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही है। उतना शॉर्टेज है आईएएस का, लेकिन फिर भी यूपीएससी की वैकेंसी निकलती कितनी है, 1000 के ऊपर निकलती नहीं है, इंक्लूडिंग ऑल दी सर्विसेज। अगर आप बाकी स्टेट पीएससी देखें, अब यूपीएससी की जब हम ये बोल रहे हैं तो बाकी स्टेट पीएससी का कहना ही क्या है। काफी जगहों पर ऐसा है कि टीचर्स की एग्जाम हुई थी लेकिन उनकी वैकेंसीज फिलअप नहीं की गई। एग्जाम ले लेते हैं, रिजल्ट निकाल लेते हैं लेकिन अब ऑर्डर नहीं आती है। आप सोच कर देखिए कि एक एसएससी देने वाला एस्पिरेंट 2017 से प्रिपरेशन कर रहा होगा, उसने सोचा होगा कि हाँ मुझे एग्जाम क्लियर करनी है, लेकिन अब तक 3 साल हो चुके हैं, अब तक उसका रिजल्ट नहीं आया है, अब तक कुछ फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ पा रहा है, तो सोचिए उस एस्पिरेंट पर क्या बीतती होगी। और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट है जो खुद को इनकैपेबल समझ लेते हैं, खुद की जो किस्मत है उसे कोसने लग जाते हैं कि नहीं मेरी किस्मत में ही नहीं होगा, या फिर ये जो चीज है मैं इस चीज के लिए इनकैपेबल हूं। लेकिन आप इनकैपेबल नहीं हो, ये जो चीज हो रही है इससे ये पता चलता है कि सरकार इनकैपेबल है। राइट टू वर्क हमारे डीपीएसपी में दिया हुआ है, अगर राइट टू वर्क भी नहीं हो पा रहा है लेकिन जो वैकेंसीज निकल रही है एटलीस्ट वो तो फिलअप होनी चाहिए, एटलीस्ट जो रिजल्ट है वो तो टाइम पर आने चाहिए, जो इलेक्शन है वो टाइम पर हो जाते हैं उसमें कोविड नहीं आता है, या फिर जो ऐसी चीजें होती है जिसमें हमें अपॉइंटमेंट देना है, जिसमें सैलरी नहीं देना है, उसके लिए कोर्ट में मसला जाता है, कोर्ट बोलता है कि नहीं एग्जाम जो है वो होनी चाहिए, मैं नीट की बात कर रहा हूं। लेकिन जब बात आती है कि जहां पर किसी को सैलरी मिलने वाली है, जहां पर कोई अपनी फैमिली को संभाल सकता है, जो देश के इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, वहां पर वैकेंसीज फिलअप नहीं होती है। वहां पर जितनी वैकेंसीज निकाली जाती है उसमें से कोई भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलते हैं, उसके रिजल्ट जो है वो नहीं निकलते हैं, तो इससे क्या मतलब हो रहा है। फिर तो ऐसे वैकेंसीज निकालने के लिए करोड़ों वैकेंसीज निकाल सकते हैं, एक करोड़, दो दो करोड़ वैकेंसीज निकाल सकते हैं। जब फिलअप ही नहीं करना है तो फिर तो कितनी वैकेंसीज हम बता सकते हैं। तो यहां पर यूथ जो है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि यूथ जो है वो कुछ बोलेगा नहीं ना, वो क्या है, वो तो अपने अपने किताबी कीड़ों में उलझा हुआ है, वो तो किताबें जो है वो पढ़ पढ़ कर रह रहा है, और वो किताब अब उसको पता है, उसके मन में डर है कि अगर उसने किताब छोड़ दिया तो हो सकता है कभी भी रिजल्ट आ जाए, कभी भी एग्जाम हो जाए तो फिर मैं क्लियर नहीं हो पाऊंगा या हो पाऊंगी, तो वो तो किताबें छोड़ेगा नहीं, तो इसलिए क्या है उसको उसमें उलझा रहने दो, थोड़ा थोड़ा टप्पे छोड़ते जाओ कि हम इतनी वैकेंसीज फिलअप करने वाले हैं, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा, वैकेंसीज तो हमको फिलअप करना नहीं है, लेकिन वो किताबों में उलझा रहेगा ना, उसको ये लगेगा कि मैं इनकैपेबल हूं, लगने दो, क्या करना है हमको, क्या करना है, हम तो कुछ करना नहीं है। बाद में बोलेंगे और कि हाँ हम इतनी इतनी वैकेंसीज निकालने वाले हैं तो हमको यहाँ पर दे देना, और वो यही इसमें रहेगा कि हाँ मैंने अब इतना पढ़ा हुआ तो है, तो फिर अब यहाँ पर मैंने किताबें तो अब तक छोड़ी नहीं है तो और मैं देके देख लेता हूँ शायद इतनी वैकेंसीज निकल जाए, लेकिन ये वैकेंसीज फिल अप ही नहीं हो रही है। और इससे क्या होता है, इससे डिप्रेशन होता है, इससे जो मानसिकता है वो बदलती जाती है, और जो स्टूडेंट के प्रति ये मानसिकता है कि वो कभी किताब छोड़ेगा नहीं और वो कभी आंदोलन करेगा नहीं, कभी रास्ते पर आ नहीं सकता है, ये जो अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है एक स्टूडेंट को, ये यहाँ पर बदलना बहुत, रिजल्ट निकालने के लिए एक एक साल कैसे लग सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, अगर कितने भी बच्चे हो तो फिर ये जो हम डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ये जो हम एआई की बात कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब क्या है।
जब आप एग्जाम का जो रिजल्ट है वो एक एक साल तक भी नहीं निकाल पा रहे हो, फाइनल रिजल्ट एक एक साल तक नहीं मिल रहा है, लड़के जो है वो वेट करते जा रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, और वो यही सोचते रहते कि हाँ रिजल्ट तो आएगा। हम ये एक न्यू नॉर्मल हो चुका है ये चीज कि नहीं, हम जब दे रहे हैं तो फिर तो इतना वक्त लगेगा ही लगेगा। क्यों लगेगा, इसको क्वेश्चनिंग करना जरूरी है। यहां पर बोला जाता है कि जो IAS है उनका शॉर्टेज हो रहा है, IPS जो उनका शॉर्टेज हो रहा है, फिर भी वैकेंसी इतनी कम निकलती है, ये बोलकर कि 180 के ऊपर तो हम ट्रेन नहीं कर सकते हैं। IAS जो है एक बैच में 180 ही रहने चाहिए, उससे ऊपर हम ट्रेनिंग जो है वो नहीं दे सकते हैं या फिर क्वालिटी नहीं मिलेगी। तो यहां पर चेंज करना जरूरी है या नहीं है? आंखों में लड़के जो है यूपीएससी के लिए बैठ रहे हैं, ग्रुप बी ग्रुप सी ग्रुप डी का तो छोड़ दीजिए, करोड़ों लोग जो है वो फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन ग्रुप ए की जो एग्जाम्स होती है वैकेंसीज नहीं निकलती है, और ग्रुप बी ग्रुप सी ग्रुप डी में वैकेंसीज बहुत ज्यादा निकालते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं बताते हैं। तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रहा है, और यहाँ पर उठना जरूरी है, यहाँ पर क्वेश्चनिंग करना जरूरी है, यहाँ पर पूछना जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो उठाव हो रहा है, ये जो विद्रोह हो रहा है, ये बहुत जरूरी है, और इन सब चीजों में मैं भी आपके साथ हूं, और इसीलिए यहाँ पर ये कंटिन्यूअस रखना है, जिससे कि यहाँ पर ये जो ग्रांटेड लेने की चीज है कि स्टूडेंट जो है वो उसको ग्रांटेड ले लो, वो जब जब आएगा तब तो अपने को वोट दे ही देंगे, अभी जो है उनको सिर्फ हवाला दे दो कि हाँ हम वैकेंसीज निकाल रहे हैं या फिर ये डिले हो रहा है, डिले हो रहा है। डिले होना नहीं चाहिए, क्यों डिले हो रहा है क्वेश्चनिंग करना आज हमारा काम है। इसीलिए यहाँ पर जो भी ट्रेनिंग हो रही है सारी चीजों में आप पार्टिसिपेट कीजिए, और ये जो वीडियो है, ये वीडियो मैं कोई भी इस वीडियो को इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी वीडियो को इस्तेमाल कर सकता है, कोई कॉपीराइट कुछ नहीं लगेगा, जहां आपको इस्तेमाल करना है इस वीडियो को आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आज ये बात जो है ये बात स्टूडेंट्स की है, और इसीलिए जो भी स्टूडेंट कम्युनिटी है उनके साथ खड़े होकर यहाँ पर इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको इस वीडियो को शेयर करना है, शेयर कीजिए, जहां इस्तेमाल करना है वहां इस्तेमाल कीजिए, और आप यहाँ पर इस आंदोलन को जारी रखिए और कंटिन्यू रखिए, तभी जाकर यहाँ पर गवर्नमेंट जो है उन तक ये बात पहुंच सकती है और उनको ये पता चलेगा कि ग्रांटेड देने में अब कोई मतलब नहीं है। जय हिंद।